नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रोहित शर्मा हमारे साथ है, स्वागत है रोहित। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। फाइनली मैं आपके चैनल पे आ गया। मतलब बहुत टाइम जी पहले बिल्कुल। से बातचीत, हम दोनों एक दूसरे को करीब 10 साल से जानते हैं, दोनों इकट्ठे जॉब कर चुके हैं, लेकिन हाँ फाइनली बिल्कुल आलोक जी बिल्कुल। के चैनल पे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए बहुत अरे बहुत नहीं, धन्यवाद। मैं काफी देर से आपके पीछे पड़ा था रोहित, लेकिन कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हो रही थी। और मुझे लग रहा था कि आपने कहा था कि आप इंडिया टीवी वाली पार्टी में आओगे, तो मैंने कहा कि वहां पे चल के फिक्स करेंगे कि भाई लाइव आएंगे हम एक दूसरे के साथ, लेकिन ना हो नहीं पाया। ना लेकिन मजबूरी फिर भी देखिए, हाँ लेकिन फिर भी देखिए कि हम लोग आ ही गए। अच्छा तो गए। भाई रोहित रोहित जो है वो पाकिस्तान पर खासी पकड़ रखते हैं, पकड़ इन द सेंस कि मतलब जियो पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं और पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं, और थोड़ा बहुत मैं भी पाकिस्तान पे काम कर लेता हूँ। तो रोहित, सबसे पहला सवाल तो अपने पड़ोसी के लिए मेरे पास यही है कि भाई मुझे याद है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर लोग ये नहीं कहते थकते, मतलब चाहे ऊपर के लेवल के हों, मतलब सरकार में हो, आर्मी में हो, या फिर निचले दर्जे का एक रिक्शे वाला भी हो, कहते हैं कि जी हम तो एटमी मुल्क हैं। अब हालत उस एटमी मुल्क की ये हो गई है कि इस वक्त आटा नहीं मिल रहा उसे। देखिए, एटम बॉम्ब जो है वो जो माने किस्मत से, जियोपॉलिटिकल मजबूरी से, या कैसे भी उसके हाथ पड़ गए। अब पड़ गया है तो ऐश ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें भाई, आप एटम बम थोड़ी खा लोगे। अच्छा, वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब इनके लिए सेंस ऑफ प्राइड बना। पहले इनके लिए सेंस ऑफ प्राइड बना था। सीपीईसी बोलते थे, सीपीईसी आ जाएगा तो हमारे यहाँ हर आदमी के पास तो रोजगार होगा और ऐसा पैसा बरसेगा कि मतलब जो रिक्शे वाला है ना, उसके रिक्शे भी सोने की होगी। ऐसा सपना दिखाया गया था, वो सीपीईसी गायब हो गया। उसके बाद इस समय सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में? आटा 2,000 रुपए तक पहुंच गया। 2,000 मीन्स 10 किलो का रेट 2,000 रुपए तक, 200 रुपए किलो पहुंच रहा है। इंडिया में वही आटा, अगर मैं फॉर्च्यून का आटा बताऊं जियो मार्ट पे, मैं सीधे सीधे आपको वो रेट बताऊंगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। मार्केट में इससे भी सस्ता मिल जाता है। जियो फॉर आटा इस समय 389 रुपीज का है, और दूसरा बिग बास्केट पे 423 रुपीज का देख रहा है। कोई डिस्काउंट वगैरह वो देते होंगे। आशीर्वाद का आटा 448 का, ITC की कंपनी है। अब ये यानी कि 44 रुपए किलो, वो डिस्काउंट वो भी देता होगा। ये फ्री स्टोर ITC मतलब का है, दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि डिफरेंस ये प्रीमियम क्वालिटी वाले हैं, बाकी तो खुला अगर आटा जाए तो और भी सस्ता मिलेगा। बात को पूरी बहुत करिए। सस्ता, राइट? ये ब्रांडेड है, एक ITC है, दूसरा फॉर्च्यून जो है वो अडानी का ब्रांड है। ये सारे वो ब्रांड्स हैं। आप सोचने वाली बात है कि इंडिया में जो आटा है, अगर वो 40 रुपए किलो मिल रहा है, उनकी करेंसी के हिसाब से भी ले लो तो 100 रुपए बन जाएगा यार, ठीक है? वहां तो ये लोग लेना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी इनका एक अनलिमिटेड सपोर्ट है कश्मीर के लिए, और वो कश्मीर का जो सपोर्ट है इनको, कश्मीर पिछले 70 साल में तो मिला नहीं। 65 वॉर जब खत्म हो रही थी, उस समय अयूब खान ने एक रेडियो एड्रेस दिया था इनके प्रेसिडेंट ने, और उस रेडियो एड्रेस में यही बोला था, कुछ कुछ लाख कश्मीरियों के लिए हम पूरे पाकिस्तान को नहीं मरवा सकते। आज वो अयूब खान का अगर लेक्चर सुन लेते इनके हुक्मरान तो बेटर होता, क्योंकि आज वो पूरे पाकिस्तान को मरवा रहे। 4 लोग मर चुके हैं यस यस इस रॉयट, मैं इसको रॉयट ही बोलूंगा क्योंकि रॉयट है। अगर पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ रही है आटे के लिए और लोग मर रहे हैं, एक आदमी को क्रश करके मार दिया जा रहा है, तो यार आटा खाने के लिए, एक बहुत पुराना केस है यूके की अदालत का, 1800s का केस है। इसकी पूरी डिटेल नहीं, मैंने पढ़ा था इसे बहुत पहले पढ़ा था, मुझे याद आ गया सडनली बात करते करते। एक बच्चे ने खाने का एक बन चुराया और भाग गया, उसको पकड़ लिया गया, बच्चे को कोर्ट में पेश किया गया। तो जज ने अपने जजमेंट में लिखा कि एक सोसाइटी के लिए शर्म की बात है जहां पर एक बच्चे को खाने के लिए चुराना पड़ रहा है, हम अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते, ये शर्म की बात। शायद ये जजमेंट पाकिस्तान पढ़ लेता। बच्चों के लिए आदमी, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए लड़ रहा था वहां पे कि बच्चों को खाना मिल जाए। वो लड़ते लड़ते मर गया सिर्फ सिर्फ कुछ किलो गेहूं के आटे के लिए। ये सूरत हाल है हुई पाकिस्तान की। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जो ये बात करते हैं, पाकिस्तान दो पाकिस्तान, जैसे बोलते थे कि इंडिया है एक भारत है, वैसे दो दो पाकिस्तान।
एक पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान के लोग मस्जिद में घूम रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, जजीरे खरीद रहे हैं, मतलब आइलैंड्स खरीद रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये वो कनाडा में फार्म हाउस खरीद रहे हैं, कनाडा में पापा जॉन्स खरीद रहे हैं, और एक पाकिस्तान ये है जिसके लोग आटा खरीदने के लिए मोहताज। अब ये दो में डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आता है? दो में डिफ्रेंसिएशन ऐसा आता है, ये कुछ उस तरीके का गेम है कि आपने एक बार वो पार कर लिया, आप एक बार फौज में बड़े ऑफिसर रह चुके, तो आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे जिंदगी भर खा लेंगे, अब अगलों को मौका मिलेगा। बाजवा साहब की बेटी बहू जो है वो शादी से कुछ दिन पहले ही करोड़पति बनी। बाजवा साहब के जो जितने भी बिजनेसेस हैं, वाइफ जो है वो बाजवा साहब के चीफ बनने के बाद कितना उनके कितनी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। और सोचने वाली बात है कि इतना सारा पैसा ये कहां से आता है? आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वैसे तो कहने के लिए इस्लामिक कंट्री है, आर्मी के ऑफिसर्स शराब पीते हैं। अब मैं नाम क्या लूं? लोग पीते हैं, ठीक है, वो लोग हैव्स और हैव नॉट्स में बटी हुई सोसाइटी, वो हैव्स जो हैं वो शराब भी पी रहे, बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो गरीब आदमी जिसको बलूचिस्तान में आटे की बहुत बुरी हालत है, ये करीब 1,500-2,000 पे पहुंच रहा है, और सूरत हाल ये कि बताते ही हैं डिग्निटी, मतलब प्राइड, कि हमारे पास एटम बम है, और उस एटम बम को दिखा के उस गरीब को बताया जा रहा है कि तुम्हारी कौम में तुम्हारे लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, एटम बम बन गया है, हम कश्मीर लेके रहेंगे, तो उस कश्मीर की वजह से तो ट्रेड नहीं हो रहा, वरना यहाँ से आटा, इंडिया में किसी चीज की कमी हो, आटे की कमी नहीं हो सकती, हमारे पास फूड स्टॉक पूरा है और ज्यादा है। दूसरी चीज, इस साल ठंड इतनी तगड़ी पड़ी है कि आप पढ़ लीजिए कि अखबारों में लिखा है कि हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस साल बंपर हार्वेस्ट आएगी गेहूं की, आप ठंड ज्यादा पड़ेगी तो बंपर हार्वेस्ट हो गई, हमारे पास इस साल के लिए भी है और अगले साल के लिए भी है। इनका क्या हालत है भैया? इनके पास तो बाढ़ आई थी, सबको पता था कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, हमारे पास ना सब्जी होगी खाने के लिए ना कुछ होगा, तो क्या खाएंगे? एटम बम। ये वो लोग हैं जिसको सिर्फ अच्छा एक बार बोला जाता है कि इस्लाम खतरे में है, उसके बाद वो अपना बच्चा 1 लाख रुपए में मरने के लिए भेज देता है इंडिया। बिल्कुल वो बिल्कुल कहावत है, कोई थिंकिंग बना रखी है इन लोगों ने। रोहित बिल्कुल। और मुझे याद है कि शायद जो बिलावल भुट्टो साहब हैं विदेश मंत्री, उनके नाना जी थे जो जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने ही शायद कहा था ना कि भाई घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। तो अब जो इंडिया से नफरत और इंडिया से उस लेवल की नफरत को देखते हुए 75 साल में जो पाकिस्तान ने की है, तो क्या उस एटम बम के चलते आज वाकई नौबत पाकिस्तानियों को घास खाने की आ चुकी है? अच्छा, प्रॉब्लम ये भी है कि गधे तो इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए चाइना को, तो घास खाए कौन? तो घास तो बच गई, तो ये खाएंगे ना अब, इसलिए ये घास घास भी तो होनी चाहिए, बाढ़ इतनी गंदी आई है, अब घास भी मर चुकी है, कुछ नहीं इनके पास। अच्छा, दूसरी बात, इनके पास पैसा किस चीज के लिए है? व्हाट दे हैव द मनी? डॉग फूड खरीदने के लिए पैसा है इनके पास, सारा डॉग फूड इंपोर्ट हो रहा है। और अच्छा मेरे एक दोस्त में, एक जनाब का दोस्त का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मुझसे बोलते हैं रोहित मैं क्या बताऊं कि डॉग फूड आता है और डॉग फूड इंपोर्टेड होता है, और मैं टिंडा खा रहा हूँ, घिया खा रहा हूँ, मेरा कुत्ता एक्सपोर्ट इंपोर्टेड फूड खा रहा है, यार ये सिचुएशन है। और आर्मी ऑफिसर का कुत्ता उन्होंने खरीद लिया था बदकिस्मती से, तो वो उसको उसको शौक ही था फॉरेन का फूड खाने का, तो ये सूरत हाल है। डॉग फूड अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो गेहूं इंपोर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? गेहूं भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कुत्ते को तो खिला दिया खाना आपके, मतलब वो जैसे बिल्कुल इंडिया में बहुत बढ़िया चीज आ गई है, लुटियंस रिपोर्टर और वो खान मार्केट गैंग, इनके यहाँ कोई लुटियन रिपोर्टर नहीं होता, इनके यहाँ कोई खान मार्केट गैंग नहीं होता, इनके कितने रिपोर्टर्स हैं ऐसे जो कि गवर्नमेंट को बिल्कुल अंधा सपोर्ट करते हैं। इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में, एक बार बोलते हैं कि कश्मीर हमें लेना है, कश्मीर हमारा है, भाई कश्मीर तुम्हारा है नहीं है, पहले रोटी तो दे दो। अच्छा, हमारी बड़ी मजाक उड़ाई थी कि आर्मी को खाना नहीं देते, एक वीडियो आ गया था बाहर, अब तो तुम्हारे यहाँ साले, तुम्हारे यहाँ तो दंगे से मर रहे लोग, तुम्हारे यहाँ तो भाई अपने बच्चों को खिलाने के चक्कर में मर रहे हैं। हमारी तो आर्मी की सिचुएशन थी, आर्मी भी नहीं थे, वो बीएसएफ का जवान था, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे थे, मोदी जी के खिलाफ, जे जो जो आदमी बोल रहा था कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, वो इलेक्शन कहां से लड़ रहा था, पैसा इतना पैसा कहां से आ रहा था मुझे नहीं पता, बट स्टिल एक चीज,
हमारी इंडिया की बड़ी मजाक उड़ाते हैं कि वहां पे वो गौमूत्र पीते हैं। अबे तुम्हारे पास तो गौमूत्र भी नहीं रहेगा पीने के लिए। बस सिचुएशन देखो, सिचुएशन देखो पाकिस्तान की क्या है कि हाथ में कुछ नहीं है, जेल में इतना पैसा नहीं है। आज की आज अभी मैं बता रहा हूँ, अच्छा इनकी मुस्लिम उम्मा की कसम खाते हैं, कितने मुस्लिम उम्मा वालों ने सपोर्ट किया। सऊदी ने कुछ पैसा दिया है, यूएई इनके साथ है नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिया होगा। वेर इज नहीं, बहरीन, वेर इज कुवैत? यूएई ने रोहित, अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि यूएई ने जो है वो इनका शायद $2 बिलियन का जो लोन था वो रोल ओवर किया है, और शायद $1 बिलियन और एक्स्ट्रा देने को तैयार हो गया है। शहबाज शरीफ गए हैं ना भीख मांगने वहां पे, तो हाँ शायद तो वो तैयार हो गया। अच्छा, वैसे एक बात है, कोई ऐसा कंट्री बता सकते हैं ये कि जहां इनका कटोरा ना पहुंचो? मतलब बारबाडोस और वो ट्रिवागो, और तुम बुर्किना फासो से भी यार, अजरबैजान, और पता नहीं कहां कहां से इन्होंने पैसा मांग लिया। जो कंट्री दूसरे से मांग रहा था उससे इतना कर्जा मांग लिया कि वो कंट्री कंगाल होने वाली है, उससे मांग लिया भाई ने। मतलब मुझे तो लग रहा है कि इंडिया से इस थोड़े रिलेशन अच्छे होते तो इंडिया से भी मांग लेते कि भैया कुछ दे दो। भाई साहब ये बात सही है। और इंडिया भाई साहब, अगर इंडिया दे भी देता, इंडिया ने दिया है श्रीलंका को, तो ये भी है। नहीं अब नहीं जब इनको इनको जब अर्थक्वेक आया था, आई थिंक पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर वाला, उस समय दिया था हमने शायद, हमारी सरकार ने लाखों डॉलर दिए थे मुझे लग रहा है मदद के नाम पे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे तो इंडिया देता ही है, और ऊपर से आटा तो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो इनसे क्या दुश्मनी थी हमारी? अफगानिस्तान तो बहुत दूर है भैया, बीच में तो ये पड़ते हैं, दे सकते थे। बट अच्छा रोहित, फैक्ट इज, या मैं तो फैक्ट ये कह रहा इज, था कि या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को पैदा हुए, और 50 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया बांग्लादेश को पैदा हुए, और बांग्लादेश उनसे आगे निकल चुका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप थोड़ा मेरे दर्शकों को भी समझाएं कि भाई ये जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन है वो फॉल्ट लाइन कहाँ है, क्या है वो? फॉल्ट लाइन बिल्कुल क्लियर एक चीज में, पाकिस्तान टाइगर इकोनॉमी होता था 1980s तक। पाकिस्तान वाइब्रेंट इकोनॉमी था, और वाइब्रेंट इकोनॉमी के साथ साथ एक ऐसा कंट्री था जिसको एक कैपिटल चाहिए थी, तो उसने पूरा शहर बसा दिया इस्लामाबाद नाम का। 8 लेन हाईवे हो, इंडिया से पहले मोबाइल यूज कर रहे थे। मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, जब मैं नया नया जर्नलिज्म में आया था तो मैंने वहां का, मुझे दिया गया नंबर मोबाइल, मैंने कहा ये लैंडलाइन? बोले नहीं नहीं मोबाइल नंबर। मैंने कहा अच्छा वहां पे भी मोबाइल है भाई? तो बंदा बोला कि अरे नहीं, वो हमसे पहले से यूज कर रहे हैं, और हमसे पहले टेक्नोलॉजी हुआ करती थी इनके पास। ये वो कंट्री है जो कि एशियन टाइगर्स में काउंट हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक दौर आया 1970s 1980s का, जिस दौर में इन्होंने अपने ही पॉपुलेशन को एलियनेट करना शुरू कर दिया, हिंदुओं को साइडलाइन। पहले हिंदू तो खैर पहले से, यहूद और हनूद तो पहले दिन से इनके दुश्मन थे। इन्होंने अहमदीज को दुश्मन बना दिया, इन्होंने अपने ही लोगों को एलियनेट करना शुरू कर दिया। और जिस कंट्री में अपने ही लोगों को एलियनेट किया जाता है, अपने ही लोगों को मेन स्ट्रीम से बाहर किया जाता है, अपने ही लोगों के खिलाफ काम होता है, वो कंट्री कभी, वो इकोनॉमी, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं करती। इंडिया में एक मुस्लिम ने बनाया हमारा, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कराए, एक मुस्लिम ने हमारे मिसाइल्स बनाए, और उस मुस्लिम को पता था कि पाकिस्तान से लड़ाई होगी, पाकिस्तान के खिलाफ यूज होगा, फिर भी प्राउडली उस मुस्लिम ने बनाया, और हमने उस मुसलमान को इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया। प्रेजेंट बनाया। ये क्योंकि इंडिया में हिंदू और मुसलमान कभी, मैं पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम के लिए मुसलमान वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बताना था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज के साथ। लड़ाई झगड़े होते होंगे, इंसिडेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़े के भी, कभी मारपीट के भी, गोली चलने के लिए भी, मर्डर के भी होते हैं, हर जगह होते हैं। उस पे मोदी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्वाड विजिलेंस पे भी मोदी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, सबने लिया, सबके खिलाफ। और इससे पहले भी, ऐसा भी नहीं है कि मोदी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे भी, 2014 के बाद ही इंडिया खराब हुआ है, उससे पहले इंडिया बहुत अच्छा था, ऐसा कोई सर्टिफिकेट पाकिस्तान ने कभी हमें नहीं दिया। माइनॉरिटी सेफ थी, ऐसा पाकिस्तान ने कभी हमें नहीं दिया। मैं मोदी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट हम तो पहले दिन से मतलब हम तो पहले दिन से मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले आदमी थे इनके हिसाब से, है ना? फैक्ट इज कि एक फॉल्ट लाइन तो ये है कि ये अपने काबिल लोगों को, इमरान खान को अपने एक एडवाइजर को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि वो अहमदी था। अब अहमदी आदमी अगर अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सकता है तो क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? हमारे पास चीफ जस्टिस हैं, हमारे पास प्रेसिडेंट थे मुस्लिम्स, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर। अरे यार मुसलमान तो फिर भी ज्यादा है, सिख तो और भी बड़े माइनॉरिटी हैं। राजीव गांधी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आई एम ए पारसी,
80,000 है इंडिया में, उससे छोटी माइनॉरिटी तो इंडिया में है ही नहीं। राजीव गांधी ने ऑन रिकॉर्ड्स बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट आई एम अ पारसी। और अब उनके बेटे कुछ क्लेम करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरी चीज पे। 1980s के दौर में जब सोवियत यूनियन को बाहर निकालना था अफगानिस्तान से, तो उस समय इनके पास डॉलर की बरसात होने लगी। तो इनकी पूरी जो मेजोरिटी थी या पूरी इनकी रूलिंग एलिट थी, उनको लगा यार पैसा अपने आप आ रहा है तो हम मेहनत क्यों करें। वो हराम खोरी ना पिछले 30 साल की बस गई अंदर। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपना ज्यादा आईआईटीज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस की जगह मदरसों में कर दिया जहां से लड़के जाने थे। अब वो मदरसा नेटवर्क बन चुका है। आप एक चीज और बताऊंगा, जब 1990s जब सोवियत यूनियन बाहर निकला अफगानिस्तान से, तब तक का आप ये देखो कि तब तक आतंकवाद कहाँ कहाँ था या किस पोजीशन पे था आतंकवाद। जब सोवियत यूनियन पे से बाहर निकल गया, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से बाहर निकल गया, उसके बाद इतने सारे कंट्री से आयन अल जवाहिरी ने, इतने सारे आयन अल जवाहिरी बिन लादेन दो थे, बिन लादेन पैसा लाते थे, आयन अल जवाहिरी का नेटवर्क था, वो नेटवर्क बनाते थे। आयन अल जवाहिरी ने कंट्री कंट्री घूम करके वहां से लड़ाके अपने पास लाए लोग, फाइटर्स लाए मुजाहिदीन के लिए, मुजाहिद थे वो, धर्म के लिए लड़ रहे थे, हालांकि वो पैसे के लिए लड़ रहे थे, वो सारे आए। तो जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल गया, तो इनका करना क्या था, कुछ उन्होंने कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। बाकी बल तो बहुत बड़ा था वहां, तो चप्पे चप्पे पे ये तालिबानी और अलकायदा के लोग थे, उन सबको अपने अपने कंट्री वापस भेज दिया गया। अब वो अपने कंट्री वापस पहुंच के उन्होंने वो जिहादिस्ट फीलिंग दी वहां पर फैला दी, और एक सडनली एक एफ्लोरेसेंस देखते हैं हम पूरी वर्ल्ड में आतंकवाद का, चाहे वो इंडोनेशिया में जेमा इस्लामिया हो, फिलीपींस में अबू सयाफ रेबल्स हो, या हम नायरोबी जाएं। ठीक है, नायरोबी में भी आपने, आपको पता होगा अमेरिका पे अटैक हुआ, अमेरिका के एम्बेसी में, बिल्कुल 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 यूएसएस कोल पे अटैक हुआ, यूएसएस कोल का अटैक गल्फ के पड़ोस में कंट्री में, नाम भूल गया, सोमालिया, सोमालिया में शायद, हाँ वहां पे हुआ। हम देखते हैं कि एशिया और दूसरे कंट्रीज, यहाँ आतंकी फैल और इन्होंने जिहादिस्ट फीलिंग फैला दी। ये पूरा का पूरा नेटवर्क और ये पूरा का पूरा जो जो आतंक का जो जाल फैला, इसके पीछे पाकिस्तान ही था। तो अपना कंट्री कैसे महत्व, अब पूरे दुनिया में अगर आपने आतंकवाद फैलाया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, तो आप अपना कंट्री से कैसे बचा सकते हो, आपके अपने अंदर भी आ गया हो, बिल्कुल अब सही कह रहे आपके हो लिए रोहित। संभालना मुश्किल हो गया। मुझे मुझे याद आ रहा है, हिलरी क्लिंटन ने बहुत, उनका फेमस बयान था कि भाई आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो ये मत सोचो कि एक दिन आपको वो डसेंगे नहीं, और वही डस रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, आपने 90 के बिल्कुल दौर की बात की, 90 के दौर की बात की, मुझे याद आ रहा है कि 90-91 के बीच में हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तब हमें सोना बेचना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा। 32 साल हुए हैं बस अभी उस बात को, और आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया जो पाकिस्तान नहीं कर पाया? एक चीज देखिए, हमेशा जो सोसाइटीज बड़ी ही सेफ होती है ना, सिक्योर होती है ना, वो सोसाइटीज प्रोग्रेस नहीं कर पाती। जिनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है ना, वो सोसाइटीज ही प्रोग्रेस करती हैं। ये बात शाहबाज शरीफ ने भी बोली अपने लेक्चर में, उनका भी स्पीच थी थोड़ी देर पहले, मैं सुन रहा था, मैंने उस पर एक प्रोग्राम बनाया था। उन्होंने बोला जो सोसाइटीज बहुत, जो जो इकोनॉमीज बहुत बुरी हालत में थी आज से 30 साल पहले, वो उन्होंने भी लोन लिए थे, आज वो आसमान से बातें कर रही है। इंडिया का नाम भी ले लेते अच्छा लगता, ताकि आपके लोगों को पता लगता कि इंडिया के एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। खैर, और दूसरी चीज, इंडिया इतनी बड़ी पावर क्यों बना, हमारे चारों ओर खतरा था। एक बहुत पुरानी, मैंने बचपन में कोई कविता पढ़ी थी, नदी के द्वीप, शायद रामधारी सिंह बिल्कुल दिन है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल नदी के द्वीप का सार एक ही था कि हमारे चारों ओर नदी है, और हमारा खतरा भी, हमें सबसे बड़ा खतरा भी उसी से, लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस भी तो उसी से है। ये नदी गायब हो जाएगी तो हम उसी टीला बन के रह जाएंगे, से हम द्वीप होंगे नहीं, टीला है हम फिर। तो ये समझने वाली बात है, इंडिया ने इंसेसेंट हार्डवर्क किया है पिछले 30 साल में, और उस हार्डवर्क का नतीजा है हम लोगों ने कौन सी ऐसी फील्ड छोड़ दी जहां पर हम आगे नहीं बढ़े। हम लोगों ने स्पोर्ट्स में भी काम किया है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, हम लोगों ने मिसाइल प्रोग्राम पे काम किया है, हम लोगों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप बोले तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करो तो अमेरिका भी उसको भी टेस्ट ही कर रहा है।
जिसको हम भी टेस्ट ही कर रहे हैं। गुड, अभी तो ये जो अग्नि के टेस्ट हुआ था, अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो ब्रह्मोस टेस्ट हुआ, उससे पिछला वाला अग्नि, उस पे तो यही बोला गया था ना कि हॉरिजॉन्टल कैसे चल रहा है, ये तो हाइपरसोनिक बिल्कुल है। बिल्कुल तो वो उसकी फोटोग्राफ्स बता रही है कि हाइपरसोनिक हम टेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी तो नहीं, लेकिन दिखेगा तो अब लोगों ने दिखाया, नहीं, गवर्नमेंट दिखा को, ना गवर्नमेंट को पता दिखा नहीं। ना, चाइना ने भी उसके बाद टेस्ट किया था अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का, तो दोनों की जो पिक्चर थी अग्नि 5 की और उसकी, दोनों की सेम डिट्टो सेम दिख रही थी, डिट्टो सेम दिख रही थी। और यहां से आगे चलें तो हम लोगों का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, हम लोगों का रॉकेट लॉन्च प्रोग्राम है, अब प्राइवेट और प्राइवेट ऑपरेटर्स भी आ गए हैं रॉकेट लॉन्च में। हम कार के थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है सेमीकंडक्टर्स की, वो अभी हम शुरू कर रहे हैं, 10 साल या 15 साल बाद देखना हम कहाँ होंगे। इतना इतना हम लोगों ने तरक्की की क्योंकि हमारे चारों ओर खतरा था। और इजराइल एक और कंट्री जिसके जिसकी मैं उससे मैं अपनी वो बहुत लेता हूँ, इंस्पिरेशन बहुत लेता हूँ, क्योंकि उस कंट्री ने बहुत मेहनत की है। उसके एक जनाब ने, उस मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था उसके एम्बेसडर का या किसी बहुत सीनियर ऑफिसर का, उन्होंने बोला कि क्योंकि हमारे चारों ओर खतरा है, हमारे हमें 20 मिनट में कोई भी दुश्मन का प्लेन क्रॉस कर सकता है इसराइल को, इसलिए हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, और आज उनसे बेटर इंटेलिजेंस और उनसे बेटर सर्जिकल स्ट्राइक्स कोई नहीं कर सकता, हिस्ट्री हैज प्रूव्ड इट। बिल्कुल सही बात है रोहित, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है भाई, एक तरफ महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, दूसरी तरफ पैसे नहीं है कि उस सैलरी भी दे सके अपने इम्प्लॉयज को, देश को तो छोड़ दीजिए, टीटीपी और बलोच अलग परेशान किए हुए हैं, उसके बाद भी मतलब आप इंटरनल प्रॉब्लम से इतना ज्यादा घिरे हैं, और उस इंडिया के बारे में जिसने कभी आप पर हमला नहीं किया, अटैक नहीं किया, उसके बारे में जो नए आर्मी चीफ बने हैं वो ज्वाइन होते ही बोलते हैं कि जी पहली भाषण में कि जी इंडिया की तरफ से कुछ भी किया जाएगा तो हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आप मतलब क्या ऐसे भाषण को देना, क्या ये सही वक्त था? नहीं, वो बोलते क्या, वो ये बोलते कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ भी होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो ही अफगानिस्तान में तो उनकी तालिबान बैठा जो उन्हीं को मार रहा है, वो चाइना को बेचारे बोल नहीं सकते थे, चाइना तो उनका पापा है, एक तरफ ईरान है, ईरान भी जब भी मन करता है इनको धमकी तो अच्छी दे देता है भले मारे ना, तो वो बोलेंगे किसको, इंडिया को बोल सकते थे, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर इस समय सबसे सेफ बॉर्डर है, इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जिससे पाकिस्तान को इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अफगानिस्तान से टीटीपी उनके अंदर तक मार रहा है, अफगानिस्तान का तालिबान जिसको उन्होंने बिठाया था वो उनके सैनिकों को मार रहा है, चाइना ने उनको बर्बाद ही कर दिया, इकोनॉमी को इस बुरी पोजीशन में चाइना ही लाया, वो चाइना के महंगे लोन लाए, और ये सूरत हाल इसका ईरान का, ईरान से भी क्योंकि शिया है ना ईरान, तो वो शिया काफिर और शिया टमाटर जिसको फेंक रहे थे, तो उससे भी वो बहुत दोस्ती नहीं है इनकी, और उससे उधर से भी प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ इंडिया से सेफ है इस समय। और नए नए बैठे हैं यासिर मुनीर साहब, तो मैं इनकी अभी तो इनकी पॉलिसी देखनी पड़ेगी, बोलते बोले भी कम है अब तक, लेकिन कोई शरीफ आदमी तो मतलब अपने स्टेटमेंट से कोई शराफत तो नहीं दिखा रहे हैं, ये उन्हीं उसी डायल उसी, उसी 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 लाइन पे चल रहे हैं जिस लाइन पे इनके पिछले वाले चलते थे, और अभी तो बहरहाल अभी उधर गए हुए हैं, सऊदी अरेबिया गए हाँ, थे, वहां से कुछ पैसा भीख पुसा मांगने मिला पहुंचे है। हुए अच्छा एक बात हो रही है, हैं। एक बात हो रही है यार, आर्मी चीफ भी तुम आ रहे यार, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर मांगे, फाइनेंस सेक्रेटरी मांगे, प्राइम मिनिस्टर मांगे, आर्मी चीफ पे कटोरा लेके निकलो हुआ भाई साहब, मतलब बहुत गजब क्या कंट्री गरीब है, जिसके बेचारा। पास जिसको देखो वही कटोरा लेके घूम रहा है, अच्छा फॉरेन मिनिस्टर अलग कटोरा लेके घूम रहा, हर आदमी पूरा एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट मीटिंग में सबको कटोरे पकड़ाए कि जाओ गो, जो जितना लाएगा उतना अच्छा, ये सूरत हाल है। और इनको देना भी, इनकी हालत भी खराब है, 30-30 बिलियन डॉलर्स देने इनको इस अगले 6 महीने में, तो वो कहीं से तो लाएंगे, इकोनॉमी ये वाले तो भी बात, बैठ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बात ये। थैंक यू रोहित, आपने मेरे लिए वक्त निकाला और इतनी सारी अच्छी बातें बताई, कई बातें तो मुझे भी पता नहीं थी जो आपके जरिए मुझे पता चली, तो बहुत दर्शकों को मजा आया होगा, तो आगे भी हम जल्दी मिलते रहेंगे और ऐसे शोज करते रहेंगे। थैंक यू रोहित, थैंक यू।